आज हम मलाई से घी निकालेंगे सिर्फ 5 मिनट में और एक ट्रिक के साथ, और इसी घी के खुटन से बनाएंगे एकदम ज़बरदस्त मिठाई। और ये रेसिपी आपको पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं कि ये मिठाई और घी निकाला कैसे है और मिठाई बनाया कैसे है। यहाँ पर देखिए मैंने मलाई लिया है और ये सिर्फ 7 दिन की मलाई है, 2.5 कटोरी है, और जो हम रोज़ चाय पीते हैं उसी दूध से मैंने इकट्ठा करके मलाई लिया है। अब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट घी निकालेंगे। उसके लिए हमने कढ़ाई गरम कर लिया है, इसमें डाल देंगे जितना हमारे पास मलाई है वो डाल देते हैं कढ़ाई के अंदर और अच्छे से हम मेल्ट कर लेंगे यहाँ पर। और यहाँ पर देख सकते हैं बहुत बढ़िया से मेल्ट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसमें 3 से 4 बूंद नींबू का रस डाल देंगे। इससे क्या होगा, जल्दी से दूध फट जाएगा और घी निकल आएगा बाहर। और ये ज़रूर सेव कीजिए, और आपके पास नींबू ना हो तो आप विनीगर भी डाल सकते हैं 1/2 चम्मच। और यहाँ पर देख सकते हैं ये सिर्फ 5 मिनट में ये घी दिखने लग गया मलाई के अंदर से, और बहुत ही बढ़िया ट्रिक है ये, अजमाकर ज़रूर देखिएगा। और देख सकते हैं घी निकलने वाला है थोड़ी देर के बाद ही, और यहाँ पर देखिए घी बन गया है। और हम क्या करेंगे, गैस को ऑफ करके घी को हम छान के आपको दिखा देते हैं कितना सारा घी निकला है। यहाँ पर देखिए 1/2 किलो से ज़्यादा ही घी निकला है, और ये एकदम शुद्ध देसी घी है। और इस जो ये बच गया है चूरा, उसके हम मिठाई बना के आपको दिखा देते हैं। अब हम क्या करेंगे, उसी कढ़ाई के अंदर 1 कटोरी सूजी डाल देते हैं। आपके पास सूजी अगर ना हो तो आप यहाँ पर मैदा डाल सकते हैं या चावल के आटा भी डाल के मिठाई बना सकते हैं। और यहाँ पर देखिए सूजी का कलर मैंने चेंज कर लिया है, ब्राउन कलर के हो गया है। अब इससे ज़्यादा हम नहीं भुनेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे जो खुरचन बचा है घी का, वो डाल देते हैं इसके अंदर और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये मिठाई बहुत बढ़िया बनता है, एक बार ट्राई जैसे कीजिएगा। और अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे सूजी के अंदर, और यहाँ पर देख सकते हैं बहुत बढ़िया से मैंने मिक्स कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसमें 1 कटोरी दूध डाल देते हैं और अच्छे से हम मिक्स करेंगे दूध डाल के, और गैस को मीडियम फ्लेम पर करके अच्छे से पकाएंगे, क्योंकि सूजी को भी पकाना है, सूजी फूलेगा भी अभी। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 कटोरी कोकोनट पाउडर, इसे बहुत बढ़िया मिठाई के अंदर टेस्ट आएगा। और सिर्फ छोटी कटोरी से 1 कटोरी मैंने डाला है, ज़्यादा नहीं डाला है। और यहाँ पर मैं लिया है शुगर पाउडर, मैंने यहाँ पर 1 कटोरी शुगर पाउडर डालूंगी। और आपको जितना मीठा पसंद है उतना हिसाब से डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है, और हमें यहाँ पर बहुत अच्छे से भुनना है। देख सकते हैं ये ड्राई होना शुरू हो गया है, एकदम सुखा देना है। और यहाँ पर हम थोड़ा सा घी डाल देते हैं, ये देसी घी है, और इसे बहुत बढ़िया टेस्ट बढ़ जाएगा। वैसे भी खुरचन के अंदर देसी घी बच जाता है, और फिर भी मैंने 2 से 3 चम्मच डाल दिया है। और यहाँ अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं, देखिए मिक्स कर लिया है बहुत बढ़िया से। अब ये बिल्कुल मिठाई जमाने के लिए रेडी हो चुका है। अब हम गैस को बंद कर देते हैं, मैंने गैस बंद कर दिया है, कढ़ाई को नीचे उतार दिया है, देख सकते हैं। और ये मिठाई जमाने के लिए बिल्कुल रेडी है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक पैन लेंगे, आप चाहे तो कोई सा भी बर्तन ले सकते हैं मिठाई जमाने के लिए। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा घी ऐड कर देंगे और ग्रीस कर देंगे चारों तरफ पैन के अंदर, ताकि आसानी होगी निकलने में और मिठाई बिल्कुल चिपकेगा नहीं। अब हम क्या करेंगे, डाल देते हैं जो हमने बना के रखा है पेस्ट, और अच्छे से हम चारों तरफ से हम फैला देंगे, अच्छे से हम बरोबर कर देंगे, चिकना कर देंगे, और इसे हम 1 घंटा के लिए रख देंगे कहीं, और उसके बाद हम आपको कट करके दिखाएंगे। और चलिए 1 घंटा के लिए रख देते हैं, और उसके बाद हम फिर मिलते हैं आपसे। यहाँ पर देखिए 1 घंटा मिठाई को जमते हुए हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, मिठाई को बाहर निकाल के आपको दिखा देते हैं कितना सुंदर मिठाई जमा है। और यहाँ पर मैंने चकला लिया है, चकला के ऊपर हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं मिठाई को। देखिए इस तरीके से हम पलट लेंगे और थोड़ा सा ऊपर से टप कर देंगे, ये मिठाई बाहर आ जाएगा इजीली। देख सकते हैं कितना सुंदर मिठाई लग रहा है, कितना बढ़िया जमा है मिठाई, ये बिल्कुल टूटा नहीं है कहीं से भी, देख सकते हैं। अब हम आपको कट करके दिखा देते हैं मिठाई को, और ये बहुत ही आसानी से कट हो जाएगा, बिल्कुल टूटेगा नहीं। और आप अपने हिसाब से किसी भी शेप में दे सकते हैं मिठाई का शेप। यहाँ पर मैं देखिए कट कर लिया है, देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है मिठाई, देखने में जितना अच्छा लग रहा है उतना ही खाने में ये टेस्टी है मिठाई। और बिल्कुल लग नहीं रहा है कि मैंने खुरचन से ये मिठाई बनाया है घी के। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा कोकोनट पाउडर डाल देते हैं, और इसमें हम कोट करके मिठाई को रखेंगे, ताकि देखने में भी अच्छा लगता है, खाने में भी बहुत टेस्टी होती है ये मिठाई। देख सकते हैं इस तरीके से हम कोट कर लेंगे, देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है। और जितना बाकी बचा है उतना हम ऐसे ही कोट करेंगे कोकोनट पाउडर के अंदर। और यहाँ पर देखिए मैंने सारे मिठाई को कोकोनट पाउडर के अंदर कोट करके ले लिया है, और कितना सुंदर लग रहा है देखने में।
और चलिए हम आपको एक तोड़ के भी दिखा देते हैं मिठाई अंदर का टेक्सचर कैसा है। देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है देखने में, जितना देखने में अच्छा लग रहा है उतना ही खाने में ये टेस्टी है मिठाई। एक बार ट्राई जरूर से कीजिएगा। और यहाँ पर मैंने देख सकते हैं मिठाई बना के रेडी किया है। और फ्रेंड्स ये रेसिपी आपको कैसी लगी, और थोड़ा सा मैंने इस तरीके से भी मिठाई बना लिया है, देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है। और फ्रेंड्स ये रेसिपी आपको कैसी लगी, ज़रा सा अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और फिर मिलेंगे ऐसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।